बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाजबा, कानपुर दे हाथ में ले आई राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आजबा। सिंगर नेहा सिंह राठौर ने कानपुर देहात की घटना पर यूपी में काबा पार्ट टू क्या गाया। लगता है सोफे वाली कुर्सी पर सफेद तौलिया डालकर बैठने वाले अधिकारियों को सहन नहीं हुआ है, क्योंकि अब यूपी पुलिस की तरफ से नेहा सिंह राठौर को धारा 160 के तहत नोटिस भेजा गया है। नोटिस में नेहा सिंह राठौर से यूपी की तेजस्वी पुलिस ने पूछा है कि आपके इस गाने के कारण समाज में वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। जी हाँ, यूपी पुलिस तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की बात कर रही है, लेकिन अपने इस लेटर की कार्यशैली पर यह नहीं बताती कि एक बलवंत नाम के व्यापारी जो कानपुर देहात में ही पुलिस की कस्टडी में जान गंवा देता है, उससे कितनी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली यूपी पुलिस इस बात का जवाब नहीं देती कि कानपुर देहात में जब डीएम कार्यालय पर पीड़ित दीक्षित परिवार धरना देने जाता है तो परिवार के अनुसार उस पर दो दो मुकदमे ला दिए जाते हैं, तब उसे स्वयं पुलिस ने लिखा था या नहीं, इस बात का जवाब वो नहीं देती। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस तब तनाव की स्थिति होने पर जवाब नहीं देती जब पुलिस के साथ अधिकारियों की मौजूदगी में दीक्षित परिवार की झोपड़ी में आग लग जाती है और दो लोगों की जान चली जाती है। लेकिन गद्देदार कुर्सी पर बैठकर अपनी छवि को सवारने के लिए नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजती है और पूछती है कि क्या वीडियो में आप स्वयं हैं अथवा नहीं। सवाल दो, यदि वीडियो में आप स्वयं हैं तो स्वयं स्पष्ट करें कि क्या ये वीडियो आपके द्वारा YouTube चैनल नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा सीजन 2 शीर्षक तथा ट्विटर अकाउंट नेहा फोक सिंगर पर अपनी स्वयं की ईमेल आईडी से अपलोड किया गया है अथवा नहीं। सवाल तीन, क्या नेहा सिंह राठौर चैनल और ट्विटर अकाउंट नेहा फोक सिंगर आपके हैं अथवा नहीं, यदि हैं तो आपके द्वारा उनका उपयोग किया जाता है अथवा नहीं। वीडियो में प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा स्वयं लिखे गए हैं अथवा नहीं। सवाल पांच, यदि उक्त वीडियो आपके द्वारा स्वयं लिखा गया है तो क्या आपको इसे स्वयं प्रमाणित करती हैं अथवा नहीं। सवाल छह, यदि उक्त गीत किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है तो क्या आपके द्वारा उक्त लेखक से उसकी पुष्टि सत्यापित कराया गया है अथवा नहीं। सवाल सात, उक्त गीत से उत्पन्न भावनाओं से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप भिज्ञ हैं अथवा नहीं। आपके इस गीत के कारण समाज में वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, अतः आपके द्वारा उक्त वीडियो पर आपके द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने न्यायोचित है, अतः उक्त नोटिस की प्राप्ति से 3 दिवस के अंदर इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। लेकिन अब यूपी पुलिस और अकबरपुर थाने के प्रभारी प्रमोद कुमार शुक्ला को ऐसा ही नोटिस शायद जिले की डीएम नेहा जैन को भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि वे घटना स्थल पर 4 दिन बाद इसलिए पहुंची क्योंकि ऊपर से उन्हें ऑर्डर था और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वे वहां नहीं गई। तो अब सवाल ये भी बनता है कि अगर डीएम घटना वाले दिन पहुंच जाती तो क्या तनाव की स्थिति बन जाती। तो अब क्या कानपुर देहात पुलिस नेहा सिंह राठौर के साथ अपनी डीएम नेहा जैन को भी नोटिस भेजेगी। फिलहाल यूपी पुलिस ने नोटिस का 3 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही है, तो वहीं नेहा सिंह राठौर का नोटिस पर क्या कहना है वो भी यूपी तक आपको जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।